नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा कवियाकोमा। आज हम बात करेंगे तालिबान सरकार पर भारत के रुख की और तमाम चुनौतियों की। तालिबान में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, लेकिन तालिबान की नई सरकार को लेकर भारत समेत कई देश आशंकित हैं। अफगानिस्तान में आतंक की जड़ें और मजबूत होने का डर है। इस बीच भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मानने से इंकार कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि वो तालिबान की नई सरकार को एक व्यवस्था डिस्पेंशन से ज्यादा कुछ नहीं मानते हैं और उसमें भी सभी वर्गों के जो लोग हैं वो शामिल न होने से चिंतित हैं। इसके अलावा भारत को अफगानिस्तान में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के हालात को लेकर खासी चिंता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि भारत चाहता है कि अफगानिस्तान की धरती को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इसको लेकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त राष्ट्र के 2593 विधेयक को लागू करने को लेकर चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मीटिंग के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मीटिंग में अफगानिस्तान में समावेशीकरण और महिलाओं अल्पसंख्यकों के हालातों पर चर्चा हुई। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मेरी पायने ने भी दोहराया कि अफगानिस्तान की धरती को आतंकवादियों की पैदावार के लिए नहीं इस्तेमाल होने दिया जाएगा। अफगानिस्तान में मानवाधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका पर आतंकी हमला हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। वहीं तालिबान खुद को बदलने की कोशिश करता भी नजर आ रहा है, ये उसकी पैंतरेबाजी भी हो सकती है। तालिबान ने अमेरिका पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है और कहा कि मासूमों का खून बहाना गलत था। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि उसका अलकायदा से कोई लेना देना ही नहीं है। ये वही तालिबान है जिसने अलकायदा के सरगना लादेन को अफगानिस्तान में छिपा रखा था। दरअसल अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही विदेशी मदद पर टिकी थी। जीडीपी का 40% हिस्सा विदेशी मदद से पूरा होता है। तालिबान के कब्जे के बाद विदेशी मदद रुक गई। विश्व बैंक और IMF ने भी अफगानिस्तान की सहायता राशि को रोक दिया था। अमेरिका ने द अफगानिस्तान बैंक की $9 अरब की विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया। तालिबान जो कहे, लेकिन हकीकत यह है कि तालिबान कत्लेआम करने से नहीं चूक रहा है। तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर में एक युवक को उसके घर से निकालकर सड़क पर दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला। उसकी साथी आईडी कार्ड दिखाता रहा, लेकिन वो नहीं माने। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान में पकड़ बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। पाकिस्तान में ISI चीफ फैज हमिद ने अफगानिस्तान में बन रहे हालात पर चीन समेत क्षेत्रीय देशों के खुफिया प्रमुखों की एक अहम सुरक्षा बैठक की मेजबानी की। ISI के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमिद ने इस्लामाबाद में चीन, ईरान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के खिलाफ प्रमुखों के साथ मिलकर अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुद्दों पर चर्चा के बहाने कोई नई चाल चल रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के कहने पर ही खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराउद्दीन हक्कानी को तालिबान सरकार नया गृहमंत्री बनाया गया। ऐसे में सवाल ये भी है कि तालिबान पर भारत की कूटनीति कितनी सही है। क्या तालिबानी सरकार में आतंकवाद और फलेगा फूलेगा? क्या अफगानिस्तान में पाकिस्तान का एजेंडा भी भारत के लिए चुनौती है? अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का तालिबानी सरकार को लेकर क्या रुख होना चाहिए? करेंगे विश्लेषण विशेषज्ञों के साथ। तो आज जिस मुद्दे पर बात करनी है, आतंकवाद पर समझौता नहीं, भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है और इसी को लेकर कई दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि भारत की रणनीति आखिरकार रहने क्या वाली है। इसी को लेकर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अशोक जी हैं, एक्स डिप्लोमेट। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका हमारे साथ। मेजर जनरल राजन कोचर जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है राजन जी आपका। सबसे पहले मैं राजन जी आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरीके की रणनीति भारत की अब आपको लग रही है, साफ तौर पर रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अफगानिस्तान की जो नई सरकार है, तालिबानी सरकार, उसके साथ तो है, लेकिन जो उसकी हरकतें हैं, अगर वो सही तरीके से काम नहीं करी तो फिर वो उसके साथ नहीं रहेगा। अब आपको क्या लग रहा है, क्या ये भारत के लिए एक नई चुनौती साबित होने वाला है आने वाले दिनों में?
पूजा जी, बिल्कुल आपने एक सही विश्लेषण किया है पूरी स्थिति का, और जो स्थिति सामने आ रही है वो इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए है क्योंकि अभी इंडिया अफगानिस्तान में नॉन प्लेयर हो गया। अभी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो रही है उसमें तालिबान के साथ कॉन्टैक्ट नहीं रखा गया, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं रखी गई, और पाकिस्तान का जो रोल अफगानिस्तान में रहा है जी, और ये जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है आपने देख लिया कि ये नॉन इंक्लूसिव है, और 30 इसमें से 33 आउट ऑफ पश्तून है, 14 यूएन वांटेड लिस्ट में है, तो ये सब और 5 मिनिस्ट्री हकानी नेटवर्क के पास है बिल्कुल, इंक्लूडिंग द होम मिनिस्ट्री जैसे आपने बताया। तो ये जो कॉम्पोजिशन है गवर्नमेंट का, अगर तालिबान चाहता था कि तालिबान 2.0 1.0 से अलग हो वो सामने नहीं आए बिल्कुल, और जो रिपोर्ट्स आ रही है अफगानिस्तान से वो ये सजेस्ट कर रही है कि तालिबान का जो डीएनए है उसमें कोई बदलाव नहीं आया, और ये देखते हुए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर ने स्टेटमेंट जो दी है वो सही है, और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उनका कंसल्टेशन हुआ है हाल ही में जी जी, रशिया का एनएसए इंडिया आया था, ये जो सारे जो कंसल्टेशन हुए, ऑस्ट्रेलिया का 2+2 जो अभी मीटिंग हुई है, सब में एक ही नतीजा निकला है कि अभी तालिबान की गवर्नमेंट को मान्यता नहीं दी जा सकती, और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं अफगानिस्तान में, वुमेन के अगेंस्ट जो एजिटेशन हो रही है और जो वुमेन एजिटेशन वहां पे कर रही है, और पंजशीर में क्या हुआ, पाकिस्तान आर्मी ने वहां पे अपनी 11 कोर उतारी, और एसएसबी की जो स्पेशल फोर्सेस की बटालियन है उसने हिस्सा लिया, और वहां पे जो मारामारी हुई है जी, तो ये एक साफ इंडिकेशन है पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का, और जब तक पाकिस्तान की हरकतें ऐसी नहीं, तो और आज की रिपोर्ट तो ये है कि पाकिस्तान अपने टेक्नोक्रेट्स और अपने रिटायर्ड आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जी, वो अफगानिस्तान में भेज रहे हैं उनकी गवर्नमेंट चलाने के लिए बिल्कुल। तो ये अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, ठीक है, और इसीलिए सर ये आपको पता है इसके बारे में बिल्कुल, और इसीलिए सवाल भी उठ रहा है ये कि क्या जो पाकिस्तान का एजेंडा है अफगानिस्तान में भारत के लिए कहीं एक चुनौती तो नहीं बन रहा, इसी को लेकर अशोक जी से सवाल पूछते हैं। अशोक जी, पूर्व राजनयिक के तौर पर आप काम कर चुके हैं, सारी स्ट्रैटेजीज आप समझते हैं इंटरनेशनल लेवल की, अब जो कुछ भी हालात चल रहे हैं भारत की जो कूटनीति है आपको लग रहा है कि सही है, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो तालिबानी सरकार आतंकवाद को लेकर जिस तरीके की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कह रही है, आपको लग रहा है ऐसे वो फलेगा फूलेगा नहीं, या फिर कथनी और करनी में बहुत अंतर है तालिबानियों का? ये दो बातें हैं यहाँ पर ध्यान रखने की, एक तो जो वहां पर तालिबान की जो सरकार आई है उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, तो वो चुनौती बनी है न केवल भारत के लिए परंतु मेरे हिसाब से पूरे विश्व के लिए बिल्कुल एक चुनौती बनी है, क्योंकि आप देखिए दूर दराज के देश हैं, यूरोप के हैं, अफ्रीका के हैं, रूस है, ईरान है, वो भी कह रहे हैं जो ये चुनौती है, और यहाँ से जो भी है ये आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो तालिबान की सरकार आई है उसको नहीं इस्तेमाल किया जाए, उसको प्रयोग भी किया जाए, ठीक है। हम जानते हैं तो 33 जो उनके मंत्री बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, उसमें 14 तो ऐसे हैं जो कि मोस्ट वांटेड टेरर लिस्ट में हैं, ग्लोबल टेरर लिस्ट जो यूएन ने किया है और जो यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी टेरर लिस्ट है, वो बड़े आतंकी है और उनके पीछे बड़े बड़े इनाम है, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, परंतु वो ये एक देखिए तालिबान भी और पाकिस्तान भी ये एक नैरेटिव देने का प्रयास कर रहे हैं
तो अभी जो तालिबान आया है वो बहुत अंतर है उसमें, वो तालिबान 1.0 नहीं है। इसी के आपने देखा होगा, पहले तो 9/11 को अपनी गवर्नमेंट का इनॉग्रेशन कर रहे थे, अपनी गवर्नमेंट की शपथ ग्रहण वो 9/11 को, जिससे कि अमेरिका को एक जैसे कहो उसमें जले पर और नमक छिड़कना, जो 120 साल में उनको बाहर इस तरीके से निकलना पड़ा है, और उसी की 20वीं वर्ष गांठ पर वो वहां पर मुकर रहे थे अपना इनॉग्रेशन। परंतु फिर कुछ देश ने उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो कल उन्होंने टाल दिया, और इसीलिए अब उन्होंने ये इसको कंडेम किया है, जो 20 साल पहले बच्चे मारे गए वहां पर और ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम अपने को एसोसिएट करते हैं। परंतु देखिए, सबको पालक है, तालिबान और अलकायदा का संबंध, अलकायदा का रिश्ता बहुत ही गहरा है, बहुत ही अच्छा है, हमने देखा है अलकायदा ने अब ये सर इसी बात को मैं जरा एक बार फिर से आपसे ये स्पष्ट करना चाहूंगी, आपने बहुत सटीक बातें कही है। और एक तरफ तालिबान ये कहती है कि वो अमेरिका में जो कुछ भी हुआ था उसकी निंदा करती है, वो अपनी सरजमीन से आतंकवाद को पनाह नहीं करने देंगे, उसको पनपने नहीं देंगे। दूसरी तरफ सर, हमने पंजशीर में जो कुछ भी देखा वो हम सबके सामने है, कैसे वहां पर लगातार गोलीबारी से लेकर तमाम जो असला है उसका इस्तेमाल किया गया है, क्या उसको आतंकवाद की श्रेणी में नहीं रखेगा तालिबान जो वो पंजशीर में कर रहा है? जी बिल्कुल, आतंकवाद की श्रेणी में उसको रखना ही चाहिए, रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर केवल उसने इतनी क्रूरता और बर्बरता से काम लिया है, ये बात नहीं, उसने पाकिस्तान का पूरा सहारा लिया है, पाकिस्तान के स्पेशल फोर्स के जवान को वहां पर जमीन पर उतरे हैं सहायता करने के लिए तालिबान की, वहां के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं और एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने वहां पर हमला किया है तालिबान की सहायता करने के लिए। तो यकीनन ये तो एक मेरे ख्याल से वॉर क्राइम हो जाता है, जेनोसाइड हो जाता है। परंतु पूजा जी, उसके अलावा अगर आप देखिए जो किस प्रकार की डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, और उन्होंने कहा है, मतलब ये उन्होंने खुले आम टेलीविजन पर कहा है, जो हमने किसी भी महिला को अपने इसमें इंक्लूड नहीं किया है कैबिनेट में, महिलाओं को कैबिनेट में काम नहीं करना चाहिए, उनका तो काम केवल है घर पर रहना चाहिए और बच्चे पैदा करना चाहिए, और वो कुछ नहीं करने के लायक है। बिल्कुल। और ऐसी बात है, देखिए आज तो वहां पर अफगानिस्तान की महिलाओं को मैं बहुत ही अप्लॉड करूंगा, सलूट करूंगा, तो उन्होंने इतनी गजब की हिम्मत दिखाई है, जिसको ये तालिबान उनके सीने पर दुनिया बंदूकें लगाए हुए हैं, परंतु वो फिर अपने हकों के लिए तो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, और पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है। बिल्कुल। उनको पता चल गया है जो ये सब पाकिस्तान के DGISI फैज़ हमीद की चाल है, जिसने ये ताजुद्दीन हक्कानी को ये इंटीरियर मिनिस्टर की है, अब वही सारे गवर्नर वहां पर अपॉइंट करेगा, जिससे कि बिल्कुल जो आतंकी हैं, जो पाकिस्तान के हिमायती हैं, उसके हक में हैं, वैसे गवर्नर वगैरह प्रेजेंट करेगा। तो देखिए, पाकिस्तान की दखल अंदाजी में, इंटरफेरेंस में वो भी वहां की महिलाएं हैं। आखिरी शब्द में यही कहूंगा, भारत के लिए चुनौती यकीनन है, न केवल भारत पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि भारत अपनी सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, ईरान है, अमेरिका है, सभी के साथ बात करके एक साझा रणनीति बनाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। और ये जो चुनौती है जो सबके लिए है, भारत के साथ साथ, इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा, कैसे जो तमाम देश हैं वो एकजुट होंगे, और कैसे पाकिस्तान के कहने पर ही, पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट पर ही जो पूरा संगठन है वो तालिबान का चल रहा है, इसको लेकर आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो भारत आतंकवाद पर समझौता करने के लिए मंजूर नहीं है और ना ही करेगा, कल ये स्पष्ट हो चुका है। कल जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के जो नेतृत्व आया था, प्रतिनिधिमंडल आया था, उनके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, जो मीटिंग रही, उसके बाद ये स्पष्ट हो चुका है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन जी, आपसे मैं जरा अब ये समझने की कोशिश करूंगी कि पाकिस्तान के कहने पर ही हमें पता है कि आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराउद्दीन हक्कानी को तालिबान सरकार में नया गृह मंत्री अपॉइंट कर दिया गया। अब ये जो पाकिस्तान की रणनीति चल रही है, ये अफगानिस्तान की आवाम बखूबी जानती है, उसके खिलाफ उसने प्रदर्शन भी किया, और दिलों में जो पाकिस्तान के प्रति इस वक्त जो गुस्सा है वो दिख रहा है हमें आवाम के।
पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा है और इसका मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में वो भुगतान जरूर करेगा, खुद वहां की आवाम उसके खिलाफ मोर्चा खोलेगी। देखिए जो सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है उसमें साफ है कि ये जो गवर्नमेंट है ये एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को पाकिस्तान चलाए और जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और ये जो लोग आएंगे अफगानिस्तान में 1996 में भी यही हुआ और ये उसका रिपीट होगा बिकॉज ये जितने भी मुल्ला हैं वहां पे जो 33 अपॉइंट हुए हैं इन लोगों में काबिलियत नहीं है अफगानिस्तान को चलाने की। ठीक है। और जितने अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, पढ़े लिखे लोग थे जो शामिल हो सकते थे गवर्नमेंट में, वो अफगानिस्तान छोड़ चुके। तो अभी सिचुएशन जो अफगानिस्तान में डेवलप होगी वो अगर आप 1996 और 2001 के तुलना करेंगे वो तकरीबन वैसे ही चलेगी, पर अभी जो 20 साल गुजर गए हैं जी और जो जैसे आपने बताया कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं, स्पेशली अफगानिस्तान में 50% विमेन पॉपुलेशन है वहां, तो आप जान सकते हैं कि उसका जो इम्पैक्ट है और वो 20 साल पुरानी आवाम नहीं है, बिल्कुल पढ़ी लिखी आवाम है, आज उनको अपने राइट्स का पता है, दुनिया से उनका इंटरेक्शन हो चुका है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो अगर ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये प्रोटेस्ट बढ़ते जाएंगे और तालिबान जो अभी अपनी इसको टॉलरेट कर रहा है अभी आने वाले वक्त में उसका भी टॉलरेंस कम हो जाएगा बिकॉज वो बेसिकली एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट नहीं चला सकती वो, और उनको पता भी है ये कि हम गवर्नमेंट चलाने के लिए काबिल नहीं है, पाकिस्तान वाले आ रहे हैं वहां पे। और जैसे ही पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट वहां पे बढ़ेगी आप देखना यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और बाकी देश जो हैं वो पाकिस्तान के विरोध में आएंगे और जैसे ही विरोध बढ़ेगा पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। और जैसे ही सिचुएशन आगे बढ़ेगी जैसे मैं इसको देख सकता हूं ये पाकिस्तान के हित में नहीं जाने वाला। ठीक है, बिल्कुल आगामी जो उसकी जो सिचुएशन नजर आ रही है वो बिल्कुल सही कहा आपने राजन जी, वो ऐसी कतई नजर नहीं आ रही है। अशोक जी, अफगानिस्तान में जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और खासतौर पर भारत भी इसको लेकर चिंतित है कि कैसे वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार और जो भी वहां पर अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर काफी खतरा है, वहां पर समावेशीकरण है महिलाओं के साथ जिस तरीके का भी पहले भी वहां पर रुक रहा है उनका, और अब देखिए कि नई सरकार के गठन में उनका महिलाओं के प्रति कैसा रवैया है, मानसिकता कैसी है कि वहां पर महिलाओं की जरूरत ही नहीं है, इन हालातों पर कैसे आपको लगता है चर्चा होगी और इन्हीं हालातों को आखिरकार पूरे विश्व के जो देश हैं वो कैसे सोच रखेंगे? देखिए पूरे विश्व यही सोच रहा है जो वहां पर एक ऐसी सरकार हो जो कि इंक्लूसिव सरकार हो जिसमें जो भी चाहे वो एथनिक कम्युनिटीज हैं या माइनॉरिटीज हैं उन सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। देखिए एक तरीके से तो तालिबान में यकीनन बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है, वो ये है जो वो बहुत ही पीआर सारी हो गए हैं, उनको क्या कहना चाहिए दुनिया के सामने वो उन्होंने समझ लिया है, टेक्नोलॉजी भी वो अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। तो इसीलिए जब से पिछले 2-3 महीने से वह वही बातें कह रहे हैं जो वो समझते हैं जो दुनिया सुनना चाहती है, इसीलिए कहा था जो हमारी जो सरकार होगी वो इंक्लूसिव सरकार होगी, उसमें हम महिलाओं को भी स्थान देंगे, हम पहले वाले तालिबान नहीं है, हम बिल्कुल बदले हुए हैं, मानवीय अधिकारों की हम सुरक्षा करेंगे,
परंतु देखिए वो कहते कुछ है और करते बिल्कुल उसके विपरीत है। हमने देखा है अभी यहाँ पर जो कैसे वहां पर उनको युवतियों को पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में कॉलेज में या स्कूल में जाने के लिए भी उनके ऊपर बहुत रोकथाम है, बहुत पाबंदी है। जिस पर उन्होंने कहा था जो भी यहाँ पर अफगानी लोग हैं जिन्होंने पहली सरकार में काम किया है या जो पहले यहाँ पर जो अमेरिकन यूके फोर्सेज उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है, सहयोग किया है, उनके विरुद्ध हम कोई बदला नहीं की भावना से हम काम नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध रिवेंज नहीं लेंगे। परंतु अब यही पता चल रहा है जो और जो पुलिसमैन थे और जिन्होंने काम किया है उनको भरे आम और इन कोल्ड ब्लड उनको मारा जा रहा है। और फिर महिलाओं के विरुद्ध उन्होंने शुरू में यही फतवा दे दिया था जो कौन 15 साल से ऊपर की जो बच्चियां हैं, 45 साल से कम की जो महिलाएं हैं, जो विधवाएं हैं, उनको हमारे हवाले कर दीजिएगा, हम उनको भेजेंगे वजीरिस्तान में, हमारे जो लड़ाकू हैं उनके साथ उनका निकाह कराएंगे। तो देखिए ऐसी बातें वहां पर हो रही हैं। यूएन की जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल की उन्होंने ये सारा ब्यौरा दिया है जो वहां पर वेंजेंस किलिंग्स हो रही हैं और महिलाओं के विरुद्ध बहुत अत्याचार हो रहे हैं, वहां से विद से और स्टील रॉड से उनको मारा जा रहा है। तो देखिए वो बिल्कुल बदलाव उनमें नहीं है। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय आजकल मुलाकातें होती हैं जैसे कल 2.2 हुआ या फिर 30 अगस्त को 2593 यूएनएससी रेजोल्यूशन आया है उसमें सभी में मानव अधिकारों का, माइनॉरिटी राइट का, विमेन राइट का, चिल्ड्रन राइट का तो बिल्कुल उसमें जिक्र किया गया। और मेरे ख्याल से पूजा जी ये एक बड़ा मापदंड होगा जो कि दुनिया तालिबान के सामने रखेगी। जो अगर आपने हमारे से संबंध बनाने हैं तो उनके ऊपर आपको खरा उतरना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने कही और वो पैरामीटर्स रखने की जरूरत भी है। देखिए कि अगर आप ये गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तभी हमारे आपके साथ जो संबंध है या जो भी आप चाहते हैं आपकी आर्थिक मदद हो या फिर जैसे भी आप चाहते हैं आगे रेवेन्यू बढ़े आप लोगों का, आप लोगों के साथ जो संबंध है वो तभी स्थापित हो पाएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा हमने की कि कैसे भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के साथ वो समझौता नहीं करेगा। हालांकि ये सब अब तालिबान की पैतृक बाजी नजर आ रही है जो कुछ भी वो बोल रहा है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।